13,000 फुट की ऊंचाई पर धवलदार अहंगपन दादा उत्तरी कश्मीर सर्वोच्च वीरता सम्मान अशोक चक्र दिया गया है। उसका हम पन्ना रहते हुए यही में जन्म हुआ था, इसी जगह में। About Dada, I might have met him more than 10 times. He would come for the mass. Before we come, he's already here, kneeling down, praying. Abhi tak main zinda hoon, hangpan dada ka wajah se. Wo pani mein dubne se humko bachaya. Isliye aapka samne abhi baitha hoon. Sarati to tha sir. Pair mein chadh ke फल तोड़ के ले आके खा के और दोस्तों को खिलाने का ये सब तो था। फुटबॉल खेलने में, रनिंग करने में, पेड़ चढ़ने में, जो भी काम है वो उसको जितना है। ऐसे था वो, बात करता था वो ना, दूसरा को समझाना, दूसरा के साथ बात करना, वो बहुत इंटरेस्ट था। सही रास्ता में था वो, फिजिकली फिट भी था। एवरी मॉर्निंग रनिंग किया, पुशअप 20 बार 25 बार। इसी टाइम में फौजी का ये निकला इंटरव्यू, रिक्रूटमेंट होगा कुंचा में, ओके, तो वो गया। आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है। फौजी में जाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए मौका मिला, वो निभाना है। He told me that he is very happy with the work and he is always grateful to God for giving this particular job. He came to meet me and told me, Father, please pray for me. I'm going to Jammu and Kashmir. Kashmir ka Kupwara district. Ye location LC ke bilkul saath hai. Infiltration jyada tar hota hai. To inme kaam karne ka maja alag hi hai. Lekin wahan per pauda nahi hone ka karan se jo hai, oxygen bahut hi kam milta hai. हर जगह माहौल जो है खतरा से भरा हुआ है, चौकाना रहना पड़ता है सर। हमारा कंपनी के अंडर 4 पोस्ट आता है। यहाँ में हमारा हेडक्वार्टर कंपनी है, उसके नीचे में हम साबू पोस्ट है, साबू पोस्ट के नीचे में मसरी पोस्ट है। साबू पोस्ट से जब हम मसरी पोस्ट की ओर निकलते हैं तो बीच में एक नाला पड़ता है मीरा नार, जो ऊपर से आता है। उसका फिर आगे आता है एक मरसरी रीस, डायरेक्ट शमशाबारी रीस का तरफ निकलता है। On 26th May 2016, Sipai Jain Baite spotted some suspicious movement on the Shamshabadi Ridge. हम फर्स्ट ऑपरेटर साहब, अंबोस पॉइंट का आगे में 4 मिलीटन आया हुआ देखा था। सुबह 6 बजे तरफ चुप चुप के उन लोग निकला था। अपना ओसी साहब को रिपोर्ट किया सर। हाँ ओपी बोलो। 4 मिलीटन? अच्छा, जनरल एरिया मीरा में, ठीक है, उन पे नजर रखना लगातार और मुझे रिपोर्ट देना। और ध्यान रखना, कोई फालतू का हरकत नहीं होना चाहिए। 26 मई 2016 ऑपरेशन साबू दादा, 6 बजे तरफ खबर आया। हेलो साबू पोस्ट। हाँ दादा, अभी 4 मिलीटेंट का हरकत दिखा है मीरा नाला से साबू की तरफ। आपने स्टॉप एस्टेब्लिश करना है मीरा नाला से मीरा रिज की तरफ। और ध्यान रखना, कोई आपका हरकत नहीं दिखना चाहिए। आई इमीडिएटली प्लेस स्टॉप्स एंड कॉर्डन द एंटायर एरिया। हमने अपना पोस्ट सबको अलर्ट कर दिया, तैयारी किया। 2 टीम में हमने कॉर्डन लगाए नीचे। एक टीम सुबेदार क्रूंग अनल, एक टीम नाइक नजीबुर। होल्डर अनपन दादा, हु वाज प्लेस्ड इन द साबू पोस्ट, इमीडिएटली मूव्ड अलोंग विद हिज टीम टू ब्लॉक द मोस्ट लाइकली रूट ऑफ एस्केप इन द मीराना। सबसे पहले आगे जाना है हम दोनों ने। मीरा नाला से मीरा रिज की तरफ सामने हमको कवर करने के लिए बताया। कंपनी हेडक्वार्टर ने एमएमजी फायरिंग किया। 2 मिलीटेंट उधर में रुक गया, 2 मिलीटेंट नीचे भाग गया। मिलीटेंट जो है डायरेक्ट नाला की तरफ से आया था, फायरिंग करने की कोशिश किया तो वो छुप गया। पीछे जो है हमारा हवलदार सब दादा आ रहा था। दादा हम लोग से कम 350 मीटर लगभग था सर। दादा आगे बढ़ा, एक मिलीटेंट को खत्म कर दिया।
दादा ने मेरे को बताया है, आप मेरे को स्पॉट फायर करना, मैं आगे जाता हूँ। तो हौलदार दादा थोड़ा साइड से फिर लेटते हुए रेंगते हुए अपना पोजीशन लिया, दादा ने खत्म कर दिया। नेटवर्क नहीं है वहां में, कभी कभार बातचीत होता है। अभी हम लोग जंगल में है, ऑपरेशन ऑन एयर ऑपरेशन ऐसा बोला था ना, मजाक से बोलता था ना, ना सही है तो मालूम नहीं है, बोलता था ऐसे ही। साजी हम लोग जांच में क्या था, बचा लोग तो पापा के बारे में कुछ भी पता नहीं। कभी छुट्टी आएगा एक महीना ना, एक महीना आता था, तब वो क्रिसमस समय में नहीं तो चालों लोग को इस समय आता था। सुबह में हम हमेशा 7-6:30 ऐसे में न्यूज देखता है, तो देखा है वहाँ में फायरिंग हो रहा है। खबर का हम रुख कर लेंगे, जो जम्मू कश्मीर से आ रही है जहाँ के कुपवाड़ा में मुठभेड़ की खबर है। तो ड्यूटी में चला गया, 7 बज गया। उनको फिर क्लियर किया दोनों मिलिटेंट्स को, क्या क्या सामान है उनको चेक किया। उसका पास तो बाइनोकुलर भी है, मोटरोला जीपीएस भी है, खाना पीना रेशन डायरी में मैप भी लेके आया है। उन लोग इतने क्लियर आता है सब। उसके बाद हम दो टोली में बट गया, एक ओसी साहब की टोली, एक हौलदार दादा की टोली। हौलदार दादा सबसे पहले लीड किया। अरे लेट हो जाएगा, रात होने के बाद तो मिलते निकल जाएगा तो क्या करेगा। दादा भी मोटिवेट करते गए हमारे को, तो हमारा अंदर भी जोश आ रहा था। पत्थर भी काफी था इस शहर में, ढलान में चला गया तो दिखना नामुमकिन। हौलदार दादा मूव क्विकली एंड केम फेस टू फेस विद द थर्ड टेररिस्ट एंड न्यूट्रलाइज्ड हिम। मिलिटेंट के साथ जब फायरिंग होता है तो उसमें हमारा जान का खतरा है, गोली के सामने जाना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा देर बाद वो पेट पकड़ के फिर खड़ा होना शुरू हो गया। जो हिम्मत है वो जुटाते हुए अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश की, लेकिन तब तक मेरी प्यारी रात 10:30 को फोन किया था। आप मेम साहब है, दादा का मेम साहब है। मैम साहब आपको एक बात बताना है। तो क्या क्या हुआ दादा? ठीक है, मैं वही पूछा ना दादा। दिल रोती है उसके बारे में तो डिफिनेशन देने से कम है, स्याही खत्म हो जाएगा। मेरी प्यारी, मेरी प्यारी, मेरी प्यारी, मेरी जान तेरे लिए दिल रोती है। मेरी प्यारी, मेरी जान, मेरी प्यारी। One beautiful thing he told me, Father, even if I am asked to give my life, I am ready for that. अभी तो दादा तो है ही नहीं, मैं इनका फैमिली के लिए हमेशा पटना कटे रहूंगा। अभी तब जब से दादा गया, वो है कहीं ना कहीं, वो है, वो ही सोच रहा हूँ। क्या बनेगा आप बड़ा होके बेटा? आर्मी ऑफिसर। ऐसा है क्या आर्मी लोग इतना अच्छा है? दादा जाने के बाद तो बहुत लोग चाहता है अभी आर्मी में जाने के लिए। हवलदार हमपन दादा वाज नो ऑर्डिनरी सोल्जर, ही वाज एक्सेप्शनल। वी आर स्टैंडिंग एट एप्रोक्सीमेटली 12,000 फीट एंड व्हाट यू सी इन फ्रंट ऑफ यू इज द शमशाबाड़ी रेंजेस।
This patch of ice is the area through which the four hardcore terrorists came on that fateful day of 25th of May and 26th of May in the morning. बदलू राम का बदन जमीन के नीचे है पर हमको उसका राशन मिलता है. दिस सॉन्ग इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन द जापानीज हैड लेड अ सीज अराउंड वन ऑफ द कंपनी पोजीशंस नियर कोहिमा. दो द कंपनी वॉज अंडर सीज दे वर एबल टू सर्वाइव as the quartermaster continued to indent for rations even for soldiers who had been martyred in the war. Badluram ka badan zameen ka niche hai to hame uska ration milta hai. Badluram ka badan zameen ka niche hai.